अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल। भूमिका, गौतम, दीक्षा, सभी को गुड इवनिंग है। सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम। सभी का एडुटैब टीचिंग परीक्षा में स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग है। दीक्षा गुड इवनिंग, भूमिका जी गुड इवनिंग। तो जल्दी से आ जाओ, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग है। सभी को गुड इवनिंग है दीक्षा। तो सभी को आवाज भी बेहतर तरीके से आ रही है। तो सबसे पहले हमारे मोटिवेशनल कोट से स्टार्टिंग करते हैं। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कम्फर्ट जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोच के देखिए कि जो ग्रेट थिंग्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो गोल हैं, जो हमें पूरे करने हैं, वो कभी भी कम्फर्ट जोन से नहीं आएंगे। आपने शायद एक बात सुनी होगी, विदाउट पेन देयर इज नो गेन। जब तक पेन नहीं होगा, हम कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। तो सभी के सभी तैयारी में जुट जाओ, अपनी कम्फर्ट जोन से बाहर आओ और सभी का एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सेशंस कब कब रहेंगे। सेशंस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 7 PM पे रहते हैं। पहले तो आप सभी को हाथ जोड़ के आप सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि कल गलती से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ सेशन शो होने लग गया था कि कल सेशन है 6 बजे, बट ऐसा नहीं था। वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। सेशन हमेशा ट्यूसडे, थर्सडेज और सैटरडेज को ही रहेंगे आपके। तो सबसे पहले तो सब लोग प्लीज़ जहाँ पर भी जुड़े हो, टेलीग्राम, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, प्लीज़ इस लिंक को शेयर कर दो। सभी को हेलो। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स हम लोग जैसे हमेशा डिस्कस करते हैं, एनिमल चैप्टर चल रहा है। आज एनिमल चैप्टर मैक्सिमम हद तक ख़त्म हो जाएगा। शायद थोड़े बर्ड्स का पार्ट आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हमें रैपिड रिवीजन भी करनी होती है, जो पढ़ना होता है और पीछे जो पढ़ा होता है उसको भी रिवाइज करते हुए चलना होता है। इसलिए बर्ड्स का सेशन नेक्स्ट टाइम रख लेंगे और साथ में सब कुछ ओवरऑल रिवाइज भी कर लेंगे। प्लीज़ सेशन में लाइव जुड़िए और हमेशा लाइव आने की कोशिश कीजिए, अगर आप आ सकते हो, पॉसिबल हो तो। सभी को गुड इवनिंग है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन, मुझे एक बच्चे ने बोला था कि मैम मैप वाला टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम है उनको। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। बाय चांस अगर आप नहीं देखते या देखना चाहते तो टेंशन मत लीजिए, सेशन में रोज लाइव जुड़िए। मेरा बस एक ही कहना है, लाइव आओ, सेशन लाइक करो, बस सेशन को देखो। याद कराना, तैयारी कराना, सब कंप्लीट करवाना मुझ पर छोड़ दो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका। तमिलनाडु की जो नेबरिंग राज्य हैं, इनमें से कौन से हैं? जल्दी से करेक्ट आंसर मुझे बता दो। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरला, या आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएं। हाय अनुपमा वर्मा, कुलदीप जी का डी आंसर आ गया है, ज्योति रेखा जी ने भी डी आंसर दे दिया है, शीतल, किरण, जय सिंह, बहुत सारे लोगों का आंसर डी आ गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपके CET एग्जाम में से उठाया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही है, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। तो मैप से देख लेते हैं कि हमने तमिलनाडु की नेबरिंग स्टेट देखी थी, पूछी थी, ये रहा आपका तमिलनाडु। अब नेबरिंग स्टेट में कर्नाटका है, आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश है, आप देख सकते हैं, और केरला है। ये सारे के सारे आपके ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट थे। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। अब एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेशन में जुड़ो और रिवाइज करने की कोशिश करो। मैक्सिमम लाइव चैट पे आंसर दो, आपको नहीं आता गलत दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन लाइव चैट पे आंसर दो, लिंक करते चलो चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक एनिमल्स, जानवर, पार्ट 2 के साथ। आई होप सभी लोग तैयार हैं। तैयार हैं तो मुझे जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। मैं शुरू करती हूँ चैप्टर। जल्दी से बता दो, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं।
तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हमारे एनिमल पार्ट टू को। एनिमल पार्ट वन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए थे, आज कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो आप फिक्र मत कीजिए, रिवीजन और याद करवाना मेरी जिम्मेवारी है, बस सेशन लगाना आपकी जिम्मेवारी है। अटेंड करो यार क्लासेस को, याद वाद सिलेबस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मैं सॉल्व करवा दूंगी। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल में सेंस ऑर्गन्स देखते हैं, जानवरों में इंद्राएं, ठीक है? अब हम सबको पता है कि पांच सेंसेस, पांच इंद्राएं होती हैं एनिमल्स में। कौन सी होती हैं? आपकी आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सारी की सारी आपकी पांच इंद्राएं आपकी सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है? अब बर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी पॉइंट आज मैं डिस्कस करूंगी प्लीज ध्यान से सुनना, रैपिड फायर में रिवीजन कर लेंगे, हर सेशन में याद कर लेंगे, याद की फिक्र मत करो, बट एक बार ही ध्यान से सुनो, चीजों को समझने की कोशिश करो। अब आपको पता है कि कुछ स्पेशल बर्ड्स होती हैं, जैसे आपकी काइट, ईगल और वल्चर, गरुड़, चील और गिद्ध, ये सारी की सारी हम ह्यूमंस के मुकाबले में चार गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसका ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, अगली स्लाइड में मैं दिखा दूंगी। इनको दूर से ही पता चल जाता है कि इनका शिकार, इनका प्रे कहाँ है, ठीक है? और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जो बर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में देख सकती हैं, अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं एक ही समय पे, क्योंकि उनकी आईज यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे लगी होती है, तो एक ही टाइम पे वो दोनों डायरेक्शंस में देख सकती हैं। ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट हैं। एक्सेलेंट, बहुत बच्चों के आंसर आने लगे हैं। जी कीर्ति जी, सेम लाइक ह्यूमंस, बिल्कुल इनके पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर CTT एग्जाम में से आया, जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी 4 times मोर देन ह्यूमंस? ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट साइट होती है, देख बहुत ज़्यादा शार्पली देख पाते हैं, और वो ह्यूमन से, हम मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं? पहला ऑप्शन है स्नेक, सिल्कवॉर्म्स, लिजर्ड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, काइट, ईगल, वल्चर्स, चील, गरुड़, गिद्ध, बी मस्कीटोज, बटरफ्लाई, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, टाइगर, लेपर्ड, बुल्स, बाघ, तेंदुआ और सांड। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर मुझे बता दो। अनुपमा, तहसीम, रीना, सुजाता कुमारी, इंदु, बहुत सारे लोगों का बी ऑप्शन आ गया है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन था, आई होप सभी लोगों ने करेक्ट ही लगाया होगा, बहुत सारे लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, काइट, ईगल और वल्चर, बिल्कुल सही, चील, गरुड़ और गिद्ध। आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आता है। प्लीज सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सेशन को फटाफट से लाइक कर दो यार। और दूसरी बात ये, ध्यान से चीज़ों को सुनते चलो, क्योंकि रैपिड फायर बनाया है मैंने एंड में, और इस बारी जो हिंदी वाले लोग कल कह रहे थे मैम हिंदी हिंदी हिंदी, रैपिड फायर आज हिंदी में भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब बर्ड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं, निशाचर जानवर। आपको पता है कि ये जो निशाचर जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं, इनको वाइट और ब्लैक कलर ही दिखता है, काला और सफ़ेद रंग ही दिखता है। अब इसका एग्जाम्पल है आपका उल्लू और आपका रिकून हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बैट के बारे में, हम चमगादड़ के बारे में कल पढ़ के आए थे, हम ये भी पढ़ के आए थे कि चमगादड़ क्या करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, अगर आपको याद हो एनिमल पार्ट वन का, तो वो मैमल्स होते हैं क्योंकि ये यंग वंस को जन्म देते हैं। अब आपको मैंने बताया था जो भी यंग वंस को जन्म देंगे वो सारे के सारे आपके मैमल्स होंगे, स्तनधारी होंगे। ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, इससे भी आपके एग्जाम से में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का जो इस पर आया था। देयर आर एनिमल्स दैट अवेक एट नाइट, दीज एनिमल्स कैन सी थिंग ओनली इन, ये कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं, और इनको कौन से रंग दिखते हैं, चीज़ें कौन से रंग की दिखती हैं आपको ये बताना है। वॉलेट ब्लू, बैंगनी और नीला, ग्रीन येलो, ब्लैक वाइट या रेड ऑरेंज,
जल्दी से इसका आंसर बता दो। और कल कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम जूम जूम जूम, तो मैंने आज क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है। अगर आपको ठीक से दिख रहा है और इतना जूम काफ़ी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि मैम इतना जूम काफ़ी है, हमें हमारे फ़ोन से दिख रहा है। कीर्ति मैथ्स, प्रिया, नजिया, सचिन, तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 लगा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, काला और सफ़ेद। ब्लैक और वाइट कलर्स इन नॉक्टर्नल एनिमल्स निशाचर जानवरों को दिखते हैं। अब यहां तक क्लियर होता चल रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखते हैं, इंसेक्ट्स कीड़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जो एंट्स होती हैं, आपकी चींटियाँ, आपको पता है कि वो अपने ग्रुप को, समूह को कैसे पहचानती हैं? एक स्पेशल टाइप की ओडर, जो गंध है एक स्पेशल टाइप की, ये रिलीज करती हैं। तो इन्हें ये पता चल जाता है कि हमारा ग्रुप कहाँ है, हमारा समूह कहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, अब फिर से पॉइंट कर रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रैपिड फायर में आपको ये खेलना है। सम इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो अपने पार्टनर, अपने साथी की तरफ आकर्षित होते हैं उनकी गंध द्वारा, उनकी स्मेल द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सिल्क वर्म्स होते हैं आपके, ठीक है, रेशम कीट होते हैं जो अपने पार्टनर्स की तरफ, अपने साथियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनकी गंध द्वारा। इस पॉइंट पे ध्यान दे दो, क्योंकि इस पॉइंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। कोई बात नहीं उषा जी, अगर आप लेट हो गए नो प्रॉब्लम, सेशन स्टार्ट ही हुआ है, बाद में रिवाइंड करके देख लेना, ऐसा कुछ नहीं, स्टार्टिंग में तो हम रिविजन ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, फटाफट से इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड इट्स फीमेल पार्टनर मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। ऐसा कौन सा है जो अपनी मदा साथी या अपने साथी को पहचान लेता है जो कि बहुत दूर हो उनकी स्मेल से, उनकी गंध से? सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े, टाइगर, बाघ, वल्चर, गिद्ध, हॉक, बाज। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर मुझे बता दो, जल्दी से। बिल्कुल कीर्ति मैथ जी, बीज भी ऐसी ढूंढती हैं, एक्सीलेंट। लिंक अप करते चलो, किसी को कुछ आता है तो प्लीज अपनी नॉलेज को शेयर करो, मैं पक्का सेशन में बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया। तो बहुत सारे लोगों का, एकता शर्मा, मीना कुमारी, पूजा, बहुत सारे लोगों का सिल्कवर्म आंसर आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, सिल्कवर्म, रेशम के कीड़े। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। और प्लीज यार, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अभी नहीं करना, सेशन जाने से पहले, ख़त्म होने से पहले कर देना। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो यार, सेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, क्योंकि एंड में मैं रिवाइज करवाती हूँ, जो पूरे सेशन में हम पढ़ते हैं वो चीज़ हम रिवाइज करते हैं, दो और चैप्टर्स भी रिवाइज करते हैं लिंक कर। एंड तक सेशन देखो प्लीज़, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, सेशन मैक्सिमम 1 घंटे तक ही रहता है, आप प्लीज़ 7 to 8 का टाइम वेकेंट रखने की कोशिश कीजिए और सेशन को एंड तक पूरा कंप्लीट देखा करिए। अब आउल के बारे में, उल्लू के बारे में क्या आप एक स्पेशल बात जानते हैं? जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है पूरी तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 360 डिग्री गर्दन को रोटेट कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? अब इनकी आंखें देखिए, जो इनकी आई बॉल्स हैं ये फिक्स्ड होती हैं, ये रोटेट नहीं कर सकती। जैसे हम लोग तो अपनी आंखों को घुमा सकते हैं, इधर का देख सकते हैं, उधर का देख सकते हैं, लेकिन इनकी आईज फिक्स्ड होती हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। आई गेस सभी लोगों को ये बात क्लियर है। बिल्कुल श्रद्धा जी ने, हनी बी में एक लीडर होता है, बिल्कुल सही बात है, एंट की तरह। हम लोग ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे, आप लिंक करते चलिएगा। तो ये हो गए हमारे आउल के बारे में, आई गेस सभी लोगों को क्लियर है, तो प्लीज एक बार लिख दो। वेरी गुड, जय सिंह, इंदु कुमारी, शालिनी, तो शाइना बेगम, सभी लोगों ने करेक्ट लिंक कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपके स्पेशल फीचर्स जानवरों में, इंसेक्ट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। जो इंसेक्ट्स होती हैं वो कॉलोनी में रहती हैं, जो आपके कीड़े होते हैं वो एक समूह में रहते हैं, ठीक है, मधुमक्खियां भी आपकी समूह में रहती हैं, बिल्कुल। आपके जो सिल्क वॉर्म है, रेशम के कीट हैं, वो भी समूह में रहते हैं, आपके दीमक भी समूह में रहते हैं, लेकिन
एक पॉइंट याद रखना, जो आपका स्पाइडर होता है मकड़ी, वो समूह में नहीं रहता, स्पाइडर अकेला रहता है। स्पाइडर मकड़ी कभी भी कोई कॉलोनी समूह नहीं बनाता, ध्यान रखना इस पॉइंट पे बहुत फोकस कर रही हूँ, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी गुड, मैना अपनी गर्दन को घुमाती नहीं, मैना अपनी गर्दन को जर्क करती है, हिला सकती है। ये सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे जब बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक डिफरेंट सेशन बर्ड्स के ऊपर बनाया जाएगा कि वो कहाँ रहती हैं, कैसा घोंसला, कैसे अंडे, और उसके बाद पूरे चैप्टर को क्विक रिविजन के साथ और चैप्टर के साथ लिंक करके हम एनिमल्स चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीट टेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या है लगा दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। अब हनी बीज की तरह, आपकी मधुमक्खियों की तरह, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है, ऐसा कौन सा कीड़ा है जो समूह नहीं बनाता? ऑप्शन है एंट चींटी, टर्माइट दीमक, स्पाइडर मकड़ी, और आपका वॉस्प मतलब आपका तैतया। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर मुझे बता दो। बस सेशन में आओ यार, प्लीज सेशन को देखो, फिकर मत करो, याद करवाना मेरी जिम्मेवारी है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाना मेरी जिम्मेवारी है, और कंटेंट पूरा खत्म करवाऊंगी, एक एक चैप्टर खत्म करवाऊंगी, फिकर मत करो, सारा कंटेंट मैं आपको खत्म करवा दूंगी जैसे मर्जी। बस सेशन में आओ यार और लाइक ठोक दो यार, प्लीज लाइक लगा दो, प्लीज लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलो। तो मीनाक्षी कीर्ति जी ने अक्टूबर टू दिसंबर लिंक कर दिया, वेरी गुड। अभी बीज के बारे में पढ़ेंगे तो करेंगे। स्पाइडर, स्पाइडर, मेघा, गुड्डी, कीर्ति, पंकज कश्यप, सानू, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर लगा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्पाइडर। और प्लीज यार, अगर मैं किसी का नाम सेशन में नहीं लेती तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कभी कभी चैट बहुत तेजी से चलती है तो जो नाम एकदम से सामने आते हैं मैं वही ले लेती हूँ, प्लीज आप बुरा मत मानिए। मेरी कोशिश रहेगी कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों का नाम ले लिया जाए। अब एम्फीबियंस जल स्थलचर क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले याद करो कि पिछले क्लास में हमने जल स्थलचर एम्फीबियंस के बारे में क्या पढ़ा था, कि ये लैंड पर भी रहते हैं, भूमि पर भी, और पानी में भी रहते हैं, जल में भी। आई गेस सभी लोगों को रिवाइज हो गया होगा। और दूसरी बात, हमने एक चीज़ और याद की थी कि ये अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। अब देखते हैं आगे, दे डोंट हैव स्केल्स, ध्यान दीजिएगा, शरीर पर इनकी धारा रेखाएं नहीं होती, ठीक है। और इनके जो ईयर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, इनके जो कान होते हैं वो बाहरी कान नहीं होते, हम देख नहीं पाते। जैसे आप मगरमच्छ का कान देख लो, ये बाहरी कान नहीं है, ये इनविजिबल ईयर है, आप देख नहीं सकते ये कानों को, ठीक है। एम्फीबियंस के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होता है इनके पास, और ये सांस कहाँ से लेते हैं, गिल्स से, गलफड़ों से, लंग्स भी हैं इनके पास, फेफड़े, और त्वचा से भी सांस लेते हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, फ्रॉग, टेटपोल और क्रोकोडाइल आपके मेंढक, टेटपोल और मगरमच्छ इन सब के उदाहरण हैं। ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, लिंक करेंगे, सब कुछ रिवाइज करेंगे, याद करने की फिक्र मत करो, बस सुनते चलो। थैंक यू श्रद्धा तिवारी जी, एक्चुअली रैपिड फायर टेक्निक इसलिए लगाई गई है ताकि हम सब कुछ लिंक करके याद कर लें। मेरी कोशिश होती है यार बार बार चीज़ों को याद करें ताकि फिक्स बैठ जाए। मैंने कहा है ना, गारंटी है मेरी, ईवीएस के पेपर में बिना रिवीजन के जाएंगे हम और पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। बस सेशन में जुड़ते रहो यार, सेशन को देखते रहो और लाइक करते चलो प्लीज यार। अब रेप्टाइल्स, सरीसृप क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या आप देख सकते हो यार, इनके भी तो जो कान है वो इनविजिबल हैं। क्या आपको यहाँ पे कान नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ पर भी इनके कान नहीं है। इनके पास कान है बट इनविजिबल है, वो कान बाहरी कान नहीं है, जैसे हमारे कान भारी कान है, बिल्ली के पास एक भारी कान होते हैं, कुत्ते के भी भारी कान होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं है, दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, आई एम सॉरी, इनकी बॉडी पर स्केल्स होती हैं, धारा रेखाएं होती हैं इनकी बॉडी पर। दे पोजेस इनविजिबल ईयर्स लाइक बर्ड्स एंड फिशेस, पक्षियों और आपके मछलियों की तरह इनके भी इनविजिबल कान होते हैं, इनके भी बाहरी कान नहीं होते। आई गेस सभी लोगों को हो रहा है। ईवीएस बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, फिकर मत कीजिए यार, रिवाइज भी हम करते चल रहे हैं तो ईवीएस बहुत अच्छे से एंड होगा। जैसे ही ईवीएस कंटेंट एंड होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज सॉल्व कराऊंगी, कि जैसे 2018 का उठा लिया, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे ईवीएस का, फिर 2017 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, और रैपिड फायर तो एंड तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है। रैपिड फायर के सेशंस तो लगते ही लगते रहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज ईवीएस की टेंशन तो यार मत लो, बस सेशन में जुड़ो, मेरी ये रिक्वेस्ट है। 1 घंटा रोज का निकाल लो, उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं यार, रिवाइज तुम कर ही रहे हैं। अब रेप्टाइल्स जो है वो लंग से ब्रीथ करते हैं, वो सांस कहाँ से लेते हैं, आपके लंग से, फेफड़ों से। उनका 3 chambered हार्ट होता है, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। और वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्रजनन या जनन कैसे करते हैं, अंडे देकर। एग्जाम्पल है आपके स्नेक्स, सांप, लिजर्ट, छिपकली और टॉर्टोइस। सुनते चलो, लिंक करते चलो, रिवाइज तो कर ही लेंगे। तो अब अगर यहां तक समझ आ गया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी पेडागॉजी भी हो जाए, मैं मैम से डिस्कस करूंगी कि पेडागॉजी के सेशंस कैसे रखे जाएंगे। तो अगर आप लोगों का हो गया है, एक्सीलेंट कीर्ति जी, कीर्ति जी कनेक्शन करती जाती हैं, बहुत लोग कनेक्शन करते जाते हैं और मज़ा आ जाता है जब आप कनेक्शंस करते हैं। अब अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। इन एनिमल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, बस ध्यान से सुनते चलो, याद तो सारे मिलके ही करेंगे, हम सब एक टीम है यार, मिलके याद करेंगे, आप मैं हम सब मिलके सब याद कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्नेक के साथ शुरू करती हूँ, आपके सांप के साथ, ठीक है। जो स्नेक होता है उनके पास नोज नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। वो स्मेल कैसे करते हैं, वो अपनी जीभ से, अपनी टंग से स्मेल करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अब स्नेक के पास कान भी नहीं होते, तो ये सुनते कैसे हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो कंपन होता है पृथ्वी का, वो इसको अवशोषित करते हैं, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। इन्हें एब्जॉर्ब करके वाइब्रेशन से ये पता चलता है कि अच्छा कोई प्रे आ रहा है सामने से, या कोई खतरा है और किस साइड पे खतरा है। ये स्नेक की प्रॉपर्टीज हैं, इसको ध्यान दीजिएगा इस पे। अब रेप्टाइल्स सरीसृप जस्ट एज स्नेक्स हियर्स फ्रॉम द वाइब्रेशन कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ लैंड। हम पढ़ चुके हैं जो वाइब्रेशंस होती हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं, पृथ्वी के कंपन को अवशोषित करके ये सुनते हैं। इनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, बाहरी कान नहीं होते इनके, ठीक है। और ये वाइब्रेशंस फील करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब स्नेक के दो होलो दांत होते हैं जिन्हें फन कहा जाता है, खोखले दांत होते हैं स्नेक के, ये देखो, इन्हें फन्स कहा जाता है। स्नेक की प्रॉपर्टीज आई गेस सब लोगों ने सुन ली है, बस सुन लो, अभी रैपिड फायर में फिर से याद करा दूंगी मैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, आई गेस सभी लोगों को समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 4 प्रकार के सांप, कुलदीप जी एक्सीलेंट, अभी डिस्कस कर लूंगी मैं। स्नेक एग्स ले करते हैं, वेरी गुड। हॉलो टीथ होते हैं, सब लोग लिंक बनाते चलते हैं यार, मजा आ जाता है। तो इस लिंक से हमारा भी याद होता है और औरों का भी याद हो जाता है, ठीक है। प्लीज यार सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दो। बाय चांस कोई कमी लग रही है तो मुझे प्लीज लिख के बता दो अभी चैट बॉक्स में कि मैम ये चीज को ठीक कर लो। जैसे रैपिड फायर हिंदी वालों के लिए नहीं था, मैंने आज हिंदी में बना दिया है। तो जो मेडिसन होती है स्नेक बाइट की, वो स्नेक के पॉइजन से बनती है, ध्यान दीजिए। अगर कोई सांप किसी को डस लेता है और उसकी दवाई बनानी होती है तो सांप के जहर से ही उसकी दवाई बनती है। अब 4 काइंड के मेनली जो 4 मतलब मेनली मैनी काइंड ऑफ स्नेक्स हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, और जो 4 टाइप के स्नेक्स होते हैं वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। इन 4ों के नाम पता होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनके नाम देख लेते हैं, जैसे आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा दी है, नाम देख लो। यह है कोबरा, इसके बारे में तो सबको नॉर्मली नॉलेज है ही, ठीक है। आपका है करैथ, रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर। ये 4 ऐसे टाइप के सांप हैं जो जहरीले होते हैं, जिनमें पॉइजन होता है। तो स्नेक के बारे में हम लोग खत्म कर चुके हैं, आई गेस स्नेक को सब लोगों को स्नेक का समझ आ गया होगा, वेरी गुड। चांदनी जी ने भी लिंक बना दिया है, तो बहुत सारे बच्चे लिंक करते चल रहे हैं, वेरी गुड। कुनुत जी ने कहा है 90% स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं और ये 4 स्नेक्स जो है हमारे पॉइजनस होते हैं। अब स्नेक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसको जल्दी से सॉल्व कर दो, और अगर बाय चांस वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो मुझे अभी चैट बॉक्स में बता दो। जैसे लास्ट टाइम सेशन में प्रॉब्लम आ रही थी कि थोड़ा वो नहीं था, जूम नहीं थे क्वेश्चंस, जो लोग फ़ोन से देखते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैंने जूम कर दिए हैं। और आपका रैपिड फायर यार हिंदी में बना दिया है तो इस बात पे एक लाइक तो ठोक ही सकते हो यार। व्हेन अ चेंबर अ स्नेक चेंबर प्लेज ऑन बीम, ठीक है, हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीम चलाता है। जब एक स्नेक चेंबर मतलब एक सपेरा जब बीम बजाता है तो स्नेक जो है वो अपने हेड को स्विंग करता है, झूमता है, ठीक है। अब वो झूमता क्यों है, उसके रीजंस आपसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन फिर से CTT से उठाया हुआ क्वेश्चन है।
बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र है उसको सूंघकर उन्हें पता चल जाता है। हेयर कर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको, मतलब वो बाय हेयरिंग द साउंड प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है वो उसको सुन लेते हैं और उस वजह से झूमते हैं। बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो कहते हैं जो बीएम जब ऐसे ऐसे सपेरा हिला हिला के बजाता है तो उसको देखते हुए वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। बाय रिस्पॉन्डिंग द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो यंत्र से आपका कंपन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उस वजह से वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं वो और गर्दन हिलाते हैं। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो। आरिफ, गुड्डी, प्रियंका, प्लीज यार लाइक ठोको, थैंक यू। और कुमार, अमिताभ बच्चन जी, अजय कुमारी, तो सभी लोगों ने ऑलमोस्ट 4 आंसर लगा दिया है। पंकज जी का भी 4 आ गया है। मेघा रानी, जिन लोगों का नाम मैंने नहीं लिया सॉरी यार, बुरा मत मानना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ये उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब नेक्स्ट सभी का फेवरेट टॉपिक आ गया है यार, ये टॉपिक बी कीपिंग, बहुत लोग बिहार के साथ काफी हद तक लिंक कर रहे थे जब हम कल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे, आज बिहार को इसके साथ लिंक करेंगे और बिहार की सारी बातें लिंक करेंगे, ठीक है। बी कीपिंग, एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी की कृषि, ठीक है, ये बिहार में, बिहार से फेमस है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हनी बीज होती है मधुमक्खियां वो लीची फ्लावर की तरफ आकर्षित होती हैं, लीची फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब जो हनी बी है वो एग कब ले करती है, अक्टूबर टू दिसंबर के महीने में, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो बेस्ट टाइम बी कीपिंग का, मतलब मधुमक्खी पालन का बेस्ट समय क्या हुआ, अक्टूबर से दिसंबर हुआ, इसी समय अंडे देंगी तो इसी समय पालने का फायदा है इनको, ठीक है। और नेक्स्ट, एवरी बी हाइव, जो हर एक बी हाइव आपका जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ध्यान देना रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बात है, प्रियंका पॉल जी ने मधुबनी पहले ही लिंक कर दिया है, एक्सीलेंट। अनामिका जी ने भी मधुबनी पेंटिंग लिंक कर दी है, बिल्कुल रैपिड फायर में इसका लिंक भी खेलेंगे। अब मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, जो बहुत सारी बीज होती है वो कार्यकर्ता मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है, अलग अलग फूलों से रस नेक्टर निकाल के लाना। अब जब रस निकलेगा, नेक्टर निकलेगा, तभी उससे हनी बनेगी। तो ये सारा का सारा काम आपका कार्यकर्ता बीज करती हैं, आपकी कौन सी, वर्कर बीज करती हैं। जो वर्कर बी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, अगर कार्यकर्ता बी नहीं हुई, रस नहीं निकाल पाए, नेक्टर नहीं आया, तो हनी कैसे बनेगा। इसलिए ये बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये बीज ना हो तो छत्ते का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, और हनी हमें नहीं मिलेगा। आई गेस सभी लोगों को अगर मधुमक्खी क्लियर हो गई है तो बता दो मुझे, क्या बात है मोहम्मद जी। बिहार, अच्छा बिहार, लीची, लिट्टी चोखा, मधुबनी पेंटिंग, उषा जी ने तो लिंक कर दिए हैं, गुड, तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, फटाफट ठाठा लिंक्स आ रहे हैं, एक्सीलेंट। तो आप लोगों को मधुमक्खी क्लियर हो गई है, तो चलो यार अब एलिफेंट्स के बारे में, हाथियों के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बड़े नंबर कैरी करते हैं आपके एग्जाम में। एलिफेंट, हाथी, पहली बात ये हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, हम लोग क्या पढ़ के आए थे, ये पत्तियां खाते हैं, टहनियां खाते हैं, ठीक है, ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये प्लांट्स खाते हैं, ये मांसाहारी नहीं होते, पहला पॉइंट। अब जो फीमेल होती है ना, जो आपकी ओल्डेस्ट मादा होती है, ओल्डेस्ट फीमेल होती है, वो इनके ग्रुप की लीडर होती है, ध्यान रखिएगा ओल्डेस्ट फीमेल ग्रुप की लीडर है, बस सुनते चलो यार, याद कर लेंगे, कोई फिक्र नहीं है उसकी। जो नर हाथी होती है झुंड में, अब जो सारे की सारी नर हाथी होती हैं झुंड में वही रहती हैं, फीमेल जो सॉरी फीमेल हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं मादा। नर क्या होते हैं, 14 से 15 साल के जैसे ही वो हो जाते हैं वो झुंड को छोड़कर चले जाते हैं, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। जो आपके एलिफेंट हैं, हाथी हैं, वो 7.5 लीटर पानी पी जाते हैं एक ही टाइम पे, 7.5 लीटर, थोड़ा सा पॉइंट सोच लो, ध्यान दो कितना ज़्यादा पानी है जो ये एक ही पॉइंट पर पी लेते हैं। अब जो एलिफेंट है वो 100 किलोग्राम्स ऑफ लीफ और ट्विग एक दिन में खा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 100 किलोग्राम पत्तियां और ट्विग ये एक दिन में खा लेते हैं, टहनियां और पत्ते। अब ये सोते यार बहुत कम है, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं, इस पॉइंट को याद रखिए। सभी लोगों का जो स्लीपिंग आर है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है।
उसके बाद एलिफेंट को मड में और वाटर में खेलना बड़ा पसंद है। अब मिट्टी में खेलना क्यों पसंद है यार, ये देखो मिट्टी में खेल के कितना इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी जब इनके शरीर पर मड लगती है तो ये इनकी स्किन को कूल रखती है, ठंडा रखती है, इन्हें बड़ा अच्छा फील होता है, इसलिए ये मड से खेलते हैं। एक्सीलेंट, सभी लोगों ने लिंक कर दिया है। तो इंदु कुमारी कह रही 11 से 12 हाथी होते हैं झुंड में, बिल्कुल लीव्स खाते हैं ये, तो हर्बीवोर्स होते हैं, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने एक्सीलेंट, तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट सारी बातें लिख कर दी हैं। अब फिर इसी बात पे एक क्वेश्चन कर दो यार, क्वेश्चन करने से पहले लाइक बटन प्रेस कर दो यार, प्लीज लाइक करना इंपॉर्टेंट है यार। दो काम करना है आपने, सेशन अटेंड करना है, लाइव आने की कोशिश करनी है, नहीं लाइव आते तो रिकॉर्डेड देखना है, दूसरी बात लाइक करना है, बाकी सब तो काम मेरा है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स, हाथियों के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, फटाफट से इसमें से करेक्ट आंसर बता दो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दो। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, एलिफेंट्स को कह रहे हैं बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते यार, 2-4 घंटे सोते हैं एक दिन में। जो अडल्ट एलिफेंट होता है वो कहते हैं 200 किलो पत्तियां खा लेते हैं, ठीक है, और इनको क्या होता है, बहुत मज़ा आता है मड में खेलने में, इनकी स्किन को कूल रखता है। और जो एलिफेंट हर्ड में जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है, झुंड जो झुंड की सबसे ज़्यादा बुजुर्ग मादा हाथी होती है, वो डिसाइड करती है सब कुछ, मतलब वो हेड होती है पूरे झुंड की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से लगा दो। क्या बात है, हाथी के बच्चे का वजन 200 kgs होगा, बिल्कुल सही, या 2 क्विंटल होता है। एक्सीलेंट लिंक, सी ऑप्शंस बहुत लोगों का आ गया है, तो देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। साइंस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे यार नेक्स्ट वीक सैटरडे को, आपका साइंस का सेशन है, मैं डिस्कस कर दूंगी उसके बारे में ट्यूसडे को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, CDA। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 वो करेक्ट है, कैसे देख लेते हैं, ए बिल्कुल सही है यार, ये बड़ा कम सोते हैं, 2-4 घंटे हम पढ़ के आए थे, ठीक है। अब आपका सी कैसे सही है, इनको मड में खेलना बहुत पसंद है, इनकी स्किन को कूल रखते हैं। और डी कैसे पसंद है, जो ओल्डेस्ट फीमेल मादा होती है वो झुंड की हेड होती है। अब ये बी पॉइंट गलत क्यों था, क्योंकि ये 100 kg लीव्स खाते भाई, यहाँ पर 200 kg लिखा है, इसलिए ये वाला पॉइंट गलत था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, और एक्सलेंट, बहुत सारे बच्चों ने परफेक्ट लगाया है ऑप्शन, वेरी गुड। इंदु जी, जय सिंह, गुड्डी, तन्वी शर्मा जी ने भी करेक्ट आंसर लगा दिया है, वेरी गुड। तो इंदु कुमारी, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर लगा दिया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। यार अब टाइगर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टाइगर बाघ, जो टाइगर है, क्या आप जानते हैं कि 40 किलो मीट खा सकता है एक टाइम पे, सोच के देखो, 40 kg ऑफ मास का सेवन टाइगर एक टाइम पे कर लेता है। इसके 6 times मोर साइट कैपेसिटी होती है ह्यूमन से, जितना हम देख सकते हैं, हमसे 6 गुना ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये देख सकते हैं। ये अपने कानों को अलग अलग डायरेक्शन में हिला सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से आवाज़ सुनने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आता है, अगली स्लाइड में दिखा दूंगी, इनको ये तक पता चल जाता है कि रसलिंग ऑफ लीव्स हो रही है, मतलब सरसराहट हो रही है पत्तियों की, या घास पे कोई जानवर चल रहा है, इनको ये भी पता चल जाता है, इतने शार्प कान होते हैं इनके। सबसे ज़्यादा अलर्ट जानवर, अगर मैं बोलूँ मोस्ट अलर्ट जानवर आपका टाइगर बाघ है, ठीक है। आई गेस बाघ के बारे में सभी लोगों को पता चल गया है, अगर बाघ क्लियर हो गया है तो बहुत बड़ी बात है, बता दो। थैंक यू एम एम राही जी, प्लीज़ यार लाइव आओ, पता है लाइव, अभी आप लाइव सेशन में ना रैपिड फायर देखना, आप लाइव आते हो ना, कनेक्ट करते हो, लिंक करते हो, आंसर देते हो, यार मज़ा आता है, मुझे भी लिंक करते हो, मैं आपसे लिंक करती हूँ, आप मुझसे लिंक करते हो, बहुत सारे पॉइंट्स जो आप बताते हो मैं डिस्कस कर देती हूँ, बहुत बच्चों का फायदा हो जाता है, आपके और मेरी रिविजन भी हो जाती है। तो क्वेश्चन फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, सीटेट एग्जाम का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प That it can make out the difference between rustling of leaves and sound of animal. Rustling of leaves और sound of animal कि घास पे कोई जानवर चल रहा है या पत्तों की सरसराहट है, इसके बीच में difference कौन सा जानवर कर सकता है, जल्दी से इसका correct answer बता दो। Vulture, silkworm, dog, tiger, गिद्ध, रेशम के कीड़े, कुत्ता या बाघ, फटाफट से इसका correct answer बता दो, जल्दी से। चांदी जी ने warm blooded भी connect कर दिया है, very good।
सुलेखा जी एक बार फिर से बता दीजिए, आपका आया था तो आई गेस आप टाइगर की डाउट पूछ रहे हैं। टाइगर के केस में कैसे है कि वो 40 किलो मांस खा लेते हैं, जब तक बाकी बच्चे आंसर करो, 40 किलो मांस खा लेते हैं। पहला पॉइंट ये है टाइगर के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके कान बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, इन्हें डिफरेंस पता चल जाता है कि मतलब हवा से झाड़ियाँ हिल रही हैं या उसमें कोई जानवर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। तो डी ऑप्शन बहुत सारे बच्चों का आ गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बाघ है। प्लीज जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज यार लाइक कर दो, ये बोलना मेरा कर्तव्य है और लाइक करना आपका फर्ज है यार, जल्दी से कर दो ना। फिर अब स्लॉथ के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बड़े क्यूट होते हैं। ठीक है, स्लॉथ के बारे में देख लेते हैं। अब स्लॉथ जो होते हैं वो मैमल्स हैं, वो स्तनधारी हैं, और मैमल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सभी लोगों को पता है। और जो स्लॉथ होते हैं वो बियर जैसे होते हैं, अब देखो यार ये भालू जैसी शक्ल का है ना, तो ये बियर जैसे होते हैं। ये नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, निशाचर जानवर होते हैं, और ये 17 घंटे सोते हैं एक दिन में। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, बस सुन लो, याद मैं आपको करा दूंगी कि 17 घंटे सोते हैं वो पेड़ पर ऐसे टंकर, 17 17 घंटे एक दिन में सोते रहते हैं। ठीक है, स्लॉथ के बारे में ये इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं स्लॉथ के बारे में कुछ और बातें, और फिक्र मत कीजिए, आपको टेलीग्राम पे मैं वैसे तो टेक्निकल टीम हमारी डाल देती है पीडीएफ्स, आप लोगों को आई गेस पीडीएफ्स मिल जाती होगी, हर एक सेशन की पीडीएफ्स वहां पर शेयर की जाती है। आज तो नहीं, कल शेयर की जाएगी 10 11 12 बजे के आसपास, कल का दिन आप देखिएगा, आपको पीडीएफ साथ के साथ शेयर कर दी जाएगी। जो स्लॉथ होते हैं वो क्या करते हैं, वो ईट आप सेम ट्री, जिस पेड़ पर वो रहते हैं ना, वो उसी की पत्तियां खाते हैं। 17 घंटे सोते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं, भालू जैसे दिखते हैं। ठीक है, इनकी जो उम्र होती है वो 40 साल होती है। अच्छा, 40 साल से अभी हम क्या पढ़ के आए थे कि जो टाइगर होता है वो 40 किलो का मांस खा जाता है एक ही बार में, 40 से 40 का लिंक। अब इनकी उम्र 40 साल होती है, ये 8 डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों पर घूमते हैं अपनी लाइफ स्पैन पे, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खा लेते हैं। हफ्ते में एक बार नीचे उतरते हैं भाई रिलैक्स होने के लिए, यार पेड़ पे टंगे टंगे जब थक जाते हैं, इनको रिलैक्स फील करना होता है तो नीचे उतर जाते हैं वीक में एक बार। आई गेस स्लॉथ के बारे में सभी लोगों को समझ आ गया होगा, तो स्लॉथ के बारे में आ गया है। तो पंकज जी कह रहे हैं उनके पास एक स्लॉथ है, तो ठीक है भाई, तो चलो आगे देखते हैं। अब ये जो वेन डायग्राम है ना यार, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आज नहीं डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, मैंने बचा के रखा है वो क्वेश्चन, क्योंकि आज पढ़ाया आज कराया उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब देखो 12 आवर्स ये स्लीप टाइम होता है, यहाँ पे 12 आवर्स होते हैं या 24 आवर्स होते हैं या 6 आवर्स होते हैं, 17 आवर्स होते हैं, ये 17 घंटे सोते हैं तो 17 तक ये एरिया को डार्क कर दिया गया। इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा, वो क्वेश्चन तब सॉल्व करेंगे। जल्दी से स्लॉथ पे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सीटीटी एग्जाम का, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। जो लोग जल्दी से सॉल्व कर दे वो जाके लाइक कर दो यार, 1 मिनट की तो बात है, और सेशन को शेयर कर दिया करो प्लीज। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई इट, आपने फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन पढ़नी है एनिमल की, और फटाफट से आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन सा जानवर है। इट लुक्स लाइक अ बियर, ठीक है, इट्स जस्ट स्पेंड 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग, 17 घंटे सो के गुजारता है, ये बियर की तरह है, ये हैंग करता है पेड़ से और 40 साल रहता है। अच्छा, 40 से फिर से मुझे याद आया, मैं आपको याद करा दूं कि टाइगर 40 kg मांस खाता है, 40 से 40 का लिंक बनाते चलो यार, कनेक्ट करते चलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बता दो, बिल्कुल ए ट्रीज पर रहते हैं ये, CCC मोहम्मद अनुपमा MM रानी सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 स्लॉथ लगा दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो जल्दी से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दो यार, ये जो क्वेश्चन है ना इसको मैंने आज के लिए बचा के रखा था, कल मैंने सोचा कि अगर कल डिस्कस कर दिया तो मजा नहीं आएगा, आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करो, मैं देखती हूँ पिछली क्लास का आप लोगों को कितना याद है, ये भी रैपिड टेस्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, एनिमल दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू देयर यंग वन, जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और उनकी शरीर पर बाल होते हैं वो अपने युवाओं को जन्म देते हैं। पहला, एनिमल्स डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी ले एग्स, जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते और युवाओं को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं, ठीक है, वो अंडे देते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स,
एंड हेयर ऑन देयर बॉडी एंड गिव बर्थ टू यंग वंस। वो कहते हैं जिन जानवरों के भारी कान नहीं है और बाल भी नहीं है शरीर पर, वो युवाओं को जन्म देते हैं, यंग वंस को। एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। जिनके भारी कान है और जिनके शरीर पर बाल है वो अंडे देते हैं। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या है फटाक से लगा दो। तो थॉमस जी ने 4 लगा दिया है, कीर्ति, अमित, कुमारी, नेहा, बहुत सारे लोगों ने यार 4 ऑप्शन लगा दिया है। तो देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, ये पिछले सेशन से रिलेटेड है, इस सेशन के लिए रखा था। 1-2 क्वेश्चन इस सेशन से इंपॉर्टेंट रिलेटेड है, वो नेक्स्ट सेशन में पूछूंगी। यार देखे तो सही कि सेशन के बाद कहीं आपके दिमाग से बातें गायब तो नहीं हो जाती। तो एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने इसका डी ऑप्शन लगा दिया है। तो इसी बात पे हमारा रैपिड फायर टेस्ट शुरू करते हैं। जो लोग रेडी हैं प्लीज यस मैम लिख के बता दो मेरे को। रैपिड फायर टेस्ट, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि रैपिड फायर टेस्ट हमारा टेस्ट होता है जिसमें हम चीजें रिवाइज करते हैं लिंक कर कर। आज तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए 5-6-7 जितने भी, उन सबको मैं लिंक कर दूंगी आज के सेशन में, आज का भी और वहां का भी। यार कोई बात भूलने नहीं देनी, वहां से लेके यहां तक सेम ही सेम चलना है हमने, ठीक है। मैं कह रही हूँ ईवीएस में बिना रिवीजन के जाना है तो हमने बिना रिवीजन के जाना है, ये मेरी गारंटी है। यार सेशन देखो, जुड़ो, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब यहीं कर लेंगे। तो रैपिड रिवीजन टेस्ट में मैं एक वर्ड बोलूंगी और फटाक से आपको उस वर्ड से रिलेटेड जो भी बातें याद आई सारी की सारी लिख दो किसी भी चैप्टर की, और मैं डिस्कस करूंगी कि कौन सा बच्चा क्या चीज कैसे लिंक कर रहा है। तो रेडी हो, सब लोग रेडी हैं, तो शुरू करते हैं। आपका पहला वर्ड है 100, 100। 100 से रिलेटेड जो भी याद आता है फटाफट से मुझे लिख दो। लिंक टू लिंक जो भी लिंक बन रहे हैं जल्दी से लिख दो। 100, फटाफट से 100 से रिलेटेड जो भी बातें आ रही है, इस चैप्टर की आ रही है, किस चैप्टर की आ रही है, जो मर्जी आपके जो नॉलेज है उससे रिलेटेड सब कुछ लिख दो। टेलीग्राम चैनल एडुटैब के नाम से है सचिन जी, आप वहां से सारी पीडीएफ्स कलेक्ट कर सकते हैं, सारी पीडीएफ्स वहां पर ऐड कर दी जाती हैं। सेशन के बाद तो नहीं यार, नेक्स्ट डे पे ऐड करते हैं। और लाइव टाइम जो है वो सेशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, वो आपके सेशंस ट्यूसडे ऑल्टरनेट्स को रहते हैं, ट्यूसडे, ठीक है, और आपके थर्सडेज और सैटरडेज को 7 बजे शाम को। 1 घंटे का सेशन रहता है, प्लीज एंड तक देखा करो क्योंकि ये रिवीजन तो एंड में, मजा तो इसी का ही है। एलिफेंट 100 kg, कोमल जी ने लिंक कर दिया है। एलिफेंट 100, वेरी गुड। पत्तियां, एलिफेंट, यार एलिफेंट से आगे भी तो लिंक कर दो, एलिफेंट से रिलेटेड जो भी याद आ रहा है वो भी लिंक कर दो। अब 100 से एलिफेंट याद आया, वेरी गुड, उससे रिलेटेड जो भी याद आ रहा है कर दो यार लिंक, वेरी गुड। इनको मड पसंद है, दीक्षा जी ने ऐसे बता दिया है हमें। 100 kg खा लेते हैं, एक्सीलेंट। तो एलिफेंट 100 kg, एलिफेंट हर्बीवोर होता है कांचा जी, ट्विक, सभी लोगों का एलिफेंट 100 kg, ये सब लिंक्स आ रहे हैं। तो चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं लिंक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिंक्स हैं, सारे आ जाओ। इशनीत जी ने बड़ा लंबा लिंक बनाया है, वेरी गुड इशनीत जी। तो 100 से मेरे को क्या याद आया, चलो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। 100 से मुझे याद आया 100 किलो लीव्स। अब 100 किलो पत्तियाँ जो हैं वो एलिफेंट खा लेते हैं, तो मुझे एलिफेंट याद आ गया। फिर एलिफेंट से सोचते सोचते मुझे याद आया यार जो लीडर होती है ग्रुप की वो ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है, जो समूह की नेता होती है वो पुरानी मादा हाथी होती है, ठीक है। फिर मुझे याद आया कि 2-4 घंटे सोते हैं वही एलिफेंट्स, ठीक है। इनको मड और वाटर से खेलना बड़ा पसंद है, ठीक है। फिर मड वर्ड आ गया तो मेरा दिमाग चला यार मड से एक तो इनकी स्किन कूल रहती है, दूसरी बात मड से मुझे याद आया कि यार मिट्टी के घर, मड के हाउसेस भी तो होते हैं। कहाँ होते हैं? राजस्थान में। राजस्थान एक हॉट डेजर्ट है, फिर मुझे वहां से ये भी याद आ गया। और राजस्थान की जो घरों की छतें हैं वो थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। फिर मुझे राजस्थान से एक और बात याद आई कि जो इनके जो घर होते हैं उनको काउ डंग से, गोबर से लीप पोत के बनाया होता है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, वो अंदर ना आ सकें। ये थे 100 से मेरे लिंक्स। बहुत लोगों ने बहुत सारे लिंक्स बनाए हैं यार, मजा आ गया। चांदनी जी ने हर्बीवोर्स वाला लिंक बना दिया, एक्सीलेंट। उषा जी ने मड वाटर 115 के झुंड, सब कुछ लिंक कर दिया है। तो क्या बात है, तो राजस्थान भी लिंक हो गया है, ओल्ड फीमेल हाथी लिंक हो गया है, एक्सीलेंट। 100 से लिंक हो गए हैं। यार हिंदी वाले लोग प्लीज निराश मत होना, आज रैपिड फायर हिंदी में भी है आप लोगों के लिए। प्लीज यार सेशन को लाइक कर दो, लाइक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका, मैं नेक्स्ट देख लेती हूँ, नेक्स्ट है आपका स्लीप, सोना। अब सोने से रिलेटेड, स्लीप करने से रिलेटेड जो भी बातें याद में आ रही है यार फटाफट से लिख दो। हाँ, राजस्थान की खेजरी लीव्स यार, वेरी गुड चांदनी जी, एक्सलेंट, वेरी गुड। फैन जो उनके कान है उसमें वो हवा ब्लो करते रहते हैं, क्या बात है। एमएम राही जी, मैं साइंस और ईवीएस, फिलहाल तो मैं ईवीएस पढ़ाती हूँ, साइंस सेशंस नेक्स्ट वीक से साइंस सेशंस भी लूंगी। तो जल्दी से फटाफट से स्लीप से जो भी लिंक याद आ रहे हैं यार फटाफट से बता दो। शाइना बेगम जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए यार, आप भी बहुत अच्छे लिंक करते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, जब लिंक्स आ रहे होते हैं ना मेरा ध्यान लिंक पे होता है, मुझे होता है क्या बात है बच्चों ने क्या लिंक करा, मैं एक्साइटमेंट उससे एक्साइटमेंट में क्या करती हूँ कि नाम नहीं पढ़ पाती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जिस जिसके नाम गलती से रह जाते हैं, कोशिश रहेगी अगली बार सबके नाम हो। तो स्लीप से सबको याद आया, स्लॉथ 17 आर, क्या बात है। एलिफेंट 2 to 4 आर्स, क्या बात है। कुडुक लैंग्वेज भी लिंक हो रही है, 17 to 18 आर, स्लॉथ लिंक हो गया है, अरे वाह। तो एक्सीलेंट, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी लिंक अप कर दिए। तो इसी बात पे मैं बताती हूँ कि यार मैं आपके लिए क्या क्या लिंक लेके आई हूँ और क्या क्या रिविजन्स लेके आई हूँ इससे रिलेटेड। स्लीप सोने से मुझे याद आया कि 17 घंटे स्लॉथ होता है, पहला पॉइंट। 2 से 4 घंटे हाथी सोता है, एक्सीलेंट। जो स्लॉथ है वो कितने 40 साल तक जीवित रहते हैं, ये हम पढ़ के आए थे, ठीक है। अब 40 साल तक जीवित रहते हैं और 8 पेड़ों पर, ये 40 साल तक 8 पेड़ों पर, 8 पेड़ों तक घूमते हैं, 8 पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। फिर 40 से मुझे लिंक याद आया कि 40 किलोग्राम तो मांस हमारा टाइगर खा जाता है, ठीक है। फिर मुझे याद आया कि वो जो डिफरेंस कर सकते हैं सरसराहट पत्तियों की और किसमें, एनिमल के साउंड से। तो ये सारे लिंक्स मेरे सोने से थे। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया लिंक लगा दिए हैं, क्या बात है। प्रभात, आकांक्षा, बिल्कुल ये बियर की तरह होता है यार स्लॉथ, एक्सीलेंट, ये लिंक रह गया था, क्या बात है। मेघा रानी जी ने बड़ा लंबा लिंक लगा दिया है। तो ये थे आपके सारे के सारे लिंक्स यार। अच्छा, कैमल स्लीप ऑन स्टैंडिंग, कीर्ति मैथ जी ने बात की है, जो कैमल है वो खड़े खड़े सोते हैं, बिल्कुल। और कैमल भी बहुत कम टाइम तक सोते हैं, क्या बात है। बहुत बढ़िया लिंक्स लग गए हैं। तो अब बात ये है कि यहाँ तक लिंक हो गए हैं, हमारी रिवीजन हो गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं और मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि नेक्स्ट आपको क्या लिंक लगाना है। नेक्स्ट लिंक आपको लगाना है अक्टूबर टू दिसंबर के में, अक्टूबर से दिसंबर में जो भी लिंक याद आते हैं लगा दो। और यार प्लीज अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दो। फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी यार, एंड तक जुड़ो, क्योंकि मजा तो यार इस रिवीजन का है। आप खुद सोचो, आज की रिवीजन में हमने मड के हाउसेस भी डिस्कस कर लिए, बात राजस्थान तक चले गई है, शेल्टर टॉपिक भी साथ के साथ हमारा रिवाइव हो गया है। तो प्लीज यार एंड तक जुड़ो, सेशन में छोड़ के मत जाया करो बीच में, क्या बात है। निक्की जी, बहुत बढ़िया लिंक लगाया। सरोजा जी, प्रणाम है आपको। फटाफट से, अरे वाह, हनी बीज के लिंक आ गए हैं। मधुमक्खी, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी लिंक हो गई है और उससे रिलेटेड यार, अरे क्या बात है। निर्मला जी ने बिहार रिलेट कर दिया, भाई बिहार रिलेट हो गया तो बिहार से रिलेटेड तो बड़ा लंबा लंबा रिलेट होता है, जो भी रिलेट होता है लगा दो। मधुमक्खी पालन याद आ गया है। अच्छा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रिलेट कर दी है, क्या बात है, क्या तगड़े लिंक्स आते हैं आप लोगों के। हनी बी, अरे वाह, श्रद्धा जी ने हनी बी और मधुबनी पेंटिंग्स का लिंक लगा दिया है, वेरी गुड। ये बड़ा फेमस बिहार का एपिकल्चर है, एक बच्चे ने ये भी लिंक किया है, लीची फ्लावर लिंक कर दिया है। तो जब इतने बेहतरीन लिंक्स आ गए हैं तो चलो मैं यार अपना छोटा मोटा लिंक मैं भी दिखा देती हूँ। तो मेरा लिंक है ये, यार आप लोग बहुत अच्छा लिंक करते हो, बहुत मज़ा आता है मुझे रैपिड फायर खिलाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है यार। आपके लिंक बहुत एक्सीलेंट हैं यार, बहुत एक्सीलेंट यार, माइंड ब्लोइंग लिंक्स। तो अक्टूबर से दिसंबर, अगर किसी का नाम ला लूँ तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, सभी के लिए है, सभी के लिंक्स बहुत अच्छे हैं। बी कीपिंग याद आ गई मुझे, मधुमक्खी पालन। फिर मुझे याद आ गया, जो ये बीज होती हैं वो लीची फ्लावर से अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है।
फिर मुझे याद आया जो क्वीन भी होती है वो अंडे देती है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ध्यान रखना। वर्कर बीज जो कार्यकर्ता बीज होती है वो नेक्टर की रस की कलेक्शन करती हैं, जिसकी वजह से हनी बनता है। फिर मुझे पता है जो ये बी कीपिंग है ये बिहार में बड़ा फेमस है यार, बिहार से। फिर मुझे मधुबनी पेंटिंग याद आ गई, चलो बिहार पे मधुबनी याद आई। फिर मुझे याद आया कि यार मधुबनी तो नेचुरल कलर से बनती है जो कि प्राकृतिक रंग है। अब राइस पाउडर का पेस्ट बनाया जाता है, चावलों का विशेष पेस्ट बनाया जाता है, जिस वजह से मधुबनी पेंटिंग को सुंदर किया जाता है। फिश ह्यूमन लीव्स ट्रीज, आपकी पत्तियां, फूल, जानवर, पक्षी, मनुष्य, ये सब के सब मधुबनी पेंटिंग में दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। फिर मुझे यहाँ से छठ याद आ गई यार, और बिहार की लैंग्वेज मैथिली याद आ गई। तो ये सारे थे मेरे लिंक्स, और आप लोगों ने बहुत एक्सलेंट्स लिंक लगाए हैं यार, मजा आ गया। क्या लिंक लगाते हो? तो शिबाना जी ने भी, शिबानी जी ने भी बहुत बढ़िया लिंक लगा दिया है। तो अगर ये सारे लिंक लग गए हैं तो अगले लिंक्स की तरफ आगे बढ़ते हुए आगे का रिवाइज कर लेते हैं। प्लीज यार एक बार फिर से जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दो यार, सेशन को एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो यार, एक मिनट की तो बात है यार, प्लीज सेशन पे लाइक बटन प्रेस कर दो, क्या बात है। तो अगला है स्मेल, गंध, जो आपकी स्मेल है उससे क्या आप लिंक करते हो, क्या रिलेट करते हो, जल्दी से बता दो यार, स्मेल से क्या रिलेट है, क्या बात है। 200 रुपए में डब्बा आता है और 12 किलोग्राम शहद मिलता है, ये शायना बेगम जी ने रिलेट कर दिया यार, ये बात मुझे नहीं पता थी, शहद तो मैं भी खरीदूंगी, मैंने कभी खरीदा नहीं आज तक, घर वाले ही लाते हैं। अरे वाह, चीफ मिनिस्टर भी लिंक हो रहे हैं, सोनिका सिंह जी ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को लिंक कर दिया है, क्या बात है। अब स्मेल से जो भी याद आता है यार जल्दी से बता दो। अनुराग वर्मा एंट बी याद आ गया उनको, इंसेक्ट याद आ गए, लैसी जी को टाइगर 6 टाइम याद आ गया है, एंट सिल्क वॉर्म चींटी, राम रोमियो जी ने चींटियां बना के भेज दी हैं, ठीक है। एम रानी को एंट्स, जय सिंह, सुशील कुमार, अरे वाह, सभी लोगों ने लिंक पे लिंक भेज दिए हैं, तो जितना सब याद आ रहा है भेज दो। श्रद्धा तिवारी जी ने सिल्क वॉर्म 3 किलोमीटर एंट, बहुत सारे लिंक्स भेज दिए हैं। सभी को हाय हेलो है जो अभी जुड़ रहे हैं। तो इसी बात पे अब लिंक्स क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है, कि हमने क्या लिंक बनाए। अब लिंक थे कुछ इस तरह, ये थे लिंक्स। चलो लिंक्स फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। चलो लिंक डिस्कस करने से पहले यार एक बार आपके और लिंक्स देख लूँ मैं जरा। वर्म किलोमीटर एंट, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड यार। तो इसी बात पे मैं लिंक्स बता देती हूँ यार कि मैंने क्या लगाए। स्मेल टंग, किसी ने स्नेक के साथ भी लगाया है, वेरी गुड निर्मला गौर जी, एक्सलेंट लिंक आपका भी, ठीक है, सभी का लिंक बढ़िया है यार, किसी का नाम नहीं ले पाती तो उसके लिए अभी सॉरी बोल देती हूँ मैं। स्मेल गंध, नो नोज सो स्नेक स्मेल विथ टंग, हमें पता है स्नेक के पास नाक नहीं होता तो वो किससे, आपकी टंग से स्मेल करता है। अब स्नेक से याद आया है कि वो एब्जॉर्ब करता है वाइब्रेशंस को, जो कंपन होता है उनको अवशोषित करता है, ठीक है। फिर मुझे फन से याद आ गई कि स्नेक के पास दो खोखले दांत होते हैं, उन्हें फन याद कर फन होते हैं। फिर मुझे वहां से मेडिसिन याद आ गई, जो इसकी दवा होती है वो स्नेक के जहर से ही मिलती है, स्नेक की डंक की दवा। अब फिर मुझे जहरीले सांप आ गए यार, ये जहरीले सांप जो है ना, प्लीज यार इनको याद कर लो, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोबरा, कैरेत, रसल वाइपर और सॉस्केल, ये मुझे सारे सॉस्केल वाइपर ये मुझे याद आए। फिर मुझे याद आ गया कि जो इंसेक्ट्स होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं अपने मेट की तरफ, कैसे, सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाता है अपनी मेट की तरफ। कीट जो है वो अपनी गंध से अपने पार्टनर को पहचान लेते हैं। एंड्स, चींटियां भी स्मेल द्वारा अपने समूह को पहचान लेती हैं। फिर मुझे याद आया कि यार ये जो चींटियां और ये सब बीज वगैरह हैं ये कैसे रहती हैं, ये समूह कॉलोनी में रहती हैं, लेकिन जो मेरा स्पाइडर है मकड़ी वो कॉलोनी में नहीं रहता, वो अकेला रहता है। तो ये थे स्मेल से रिलेटेड लिंक्स। तो सभी लोगों ने क्या लिंक्स लगाए हैं बता दीजिए। थैंक यू एमएम राय जी, थैंक यू सो मच। अरे क्या बात है, स्नेक 4 टाइप के स्नेक होते हैं, नरुल इस्लाम जी बिल्कुल सही बात है, और स्पाइडर अलोन रहते हैं, वेरी गुड।
झारखंड में कोई कह रहा है फूलों की घाटी है, वहां इत्र और परफ्यूम बनता है। उषा जी ठीक है, और समूह में रहते हैं। अब डॉग और टाइगर जो यूरिनेट करते हैं, बिल्कुल एक्सेलेंट पॉइंट आपका निक्की जी, जो डॉग और टाइगर्स हैं वो यूरिनेट करते हैं, वो आसपास मलमूत्र करते हैं, जिसके द्वारा उन्हें ये पता चल जाता है कि ये एरिया हमारा है। क्या बात है, वो भी स्मेल से पता चलता है। वेरी गुड एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया लिंक लगा दिया यार, मजा आ गया। ये तो प्लीज इसी बात पे यार एक बारी सेशन को लाइक कर दो। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया यार, लाइक करना बड़ा जरूरी है यार, प्लीज लाइक कर दो यार। आप लाइक करते हो यार, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और अगर कोई कमी है प्लीज लिख के बता दो, जैसे कि ये आपको हिंदी में चाहिए था, मैं हिंदी वालों से माफी मांगती हूँ कि हिंदी में मैं नहीं ला पाई, बट अब से रैपिड फायर हमेशा हिंदी में रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी लोगों के साथ। अब चलो जाने से पहले यार एक बारी ना, बड़ा टाइम हो गया यार, आंध्र प्रदेश के लिंक नहीं लगे, आंध्र प्रदेश के लिंक लगा दो यार। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके 15 आई गेस आ जाते हैं, 15 आपके पेडागोजी से आते हैं, ठीक है, तो दोनों को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रियंका पॉल जी कह रही है लाइक कर दो, प्लीज कर दो। तो अच्छा, तो अब वैसे कन्नौज में जो इत्र और परफ्यूम्स है ना आपके, वो हम कन्नौज में पढ़े थे, हमने कन्नौज से फेमस हैं, ठीक है। थैंक यू शायना जी। अच्छा यार अब जल्दी से जाने से पहले यार एक बारी, अरे क्या बात है, आंध्र प्रदेश के लिंक भेज दो यार। पोचमपल्ली ठीक है, और जल्दी से आंध्र प्रदेश के लिंक्स भेज दो। तो किसी ने बोला आई एम फ्रॉम तेलंगाना, ठीक है, तो चलो बहुत सारे लोगों ने, अरे वाह, लिंक भेज दिए हैं, कुचिपुड़ी डांस भेज दिया है, बैम्बू हाउसेस। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आंध्र प्रदेश यार, कलमकारी साड़ी आंध्र प्रदेश से थी, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश से हम लोगों ने याद किया था पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से, पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर में, याद कर लेना। और आंध्र प्रदेश से क्या याद किया यार हमने, जल्दी सोचो। पोचमपल्ली, हाँ बिल्कुल, कुचुपुड़ी, पोचमपल्ली और आपकी कलमकारी सारी सारी की सारी आंध्र प्रदेश से है, एक्सीलेंट। फिर यार लद्दाख रह गया यार, लद्दाख को भी लिंक कर दो एक बार यार, जाने से पहले एक बार लद्दाख को लिंक कर दो यार प्लीज। अच्छा उगदी फेस्टिवल, क्या बात है, अरे वाह क्या बात है यार, सब लोगों ने बड़ा अच्छा लिंक लगाया है, तो एक बार यार लास्ट लिंक यार, जाने से पहले एक बार लद्दाख का लिंक लगा दो यार। घरों से लेके ना, फेस्टिवल से लेकर जो भी आपको चीजें आती हैं, ट्राइब से लेकर लद्दाख का जो भी आता है ना, सब लगा दो एक लद्दाख के लिंक यार। मैं आपके थ्रू देखना चाहती हूँ कि लद्दाख के क्या लिंक लगाते हो यार, वो चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, उसको भी रिवाइज करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज यार जाने से पहले लाइक कर देना जिन्होंने नहीं किया यार। तो क्या बात है, आ गया है हमारा लिंक, कोमल जी ने भेज दिया है, जो लद्दाख है पश्मीना शॉल्स के लिए फेवरेट है, पश्मीना शॉल 600 जितनी गर्म होती है, जो आपकी पश्मीना शॉल है उसको 250 घंटे लगते हैं क्योंकि वो हाथ द्वारा बनाई जाती है, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे आपकी बकरी होती है, गोट्स होती हैं, उनके बाल इतने पतले होते हैं कि मशीन द्वारा उसको नहीं बना सकते, और पश्मीना का क्वेश्चन पेपर में आएगा, और चंपा ट्राइब्स होती है यहाँ पर, क्या बात है, और कोल्ड डेजर्ट है, एक्सीलेंट वाह। कोल्ड डेजर्ट में बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि मानसून के शेडेड रीजन में होता है, अरे वाह क्या बात है। अच्छा किसी ने बैम्बू हाउस भेजा मुझे, बैम्बू हाउसेस कहाँ होते हैं आपके, बैम्बू हाउसेस असम में होते हैं, हमने पढ़े थे, क्यों, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो घरों को 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बनाया जाता है ताकि बारिश से ये घर खराब ना हो जाए। तो ये था हमारे असम के बारे में। हमने असम से यार एक और बात याद की थी, हमने असम से क्या याद किया था, अरे यार हमने असम से बिहू याद किया था, असमी लैंग्वेज याद की थी, हमने बोडो लैंग्वेज याद की थी, ये सारी की सारी बातें हमने असम से याद की थी। और हमारी जो वर्ली थी, अरे असम की टी भी, क्या बात है, असम से टी भी फेमस है, और जो हमारी वर्ली पेंटिंग्स है, वर्ली ट्राइब्स हैं, सारी की सारी महाराष्ट्र से है, लावणी जो है वो महाराष्ट्र का फेमस डांस है, ये लिंक्स हम सब ने बना लिए। आई गेस सभी लोगों को क्लियर हो गया है अब तक, और सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन में मजा भी आ रहा होगा। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया लिंक यार, आप लिंक लगाते हो बड़ा अच्छा लगता है। अब लिंक लगा दी है तो एक लाइक भी लगा दो प्लीज। कस्टर्ड फिश कड़ी किसी ने लिंक कर दी है, क्या बात है, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लिंक्स, एक्सीलेंट।
तो इसी बात पे सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा लिंक लगा दी है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन इतना ही। जो बर्ड्स का पार्ट है यार, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, संजीवी संबंध, हमने बहुत कुछ पढ़ना है बर्ड्स के बारे में, कैसे नेस्ट होते हैं, अंडे वंडे, बहुत कुछ, ये सारी बातें नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। प्लस नेक्स्ट सेशन में एनिमल्स अब तक सारा रिवाइज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, किसी को मैप में प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड, और रैपिड फायर टेस्ट तो होगा। अब रैपिड फायर, फेस्टिव फायर हो, डांस फायर हो, ट्राइबल फायर हो, कुछ भी हो, आपका पीछे से लेके अब तक का रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया यार, पेपर में तो बिना रिवीजन के जाना है, ये मेरी गारंटी है। बस सेशन आओ, सेशन लगाओ, लाइक करो, बस आपकी तरफ से इतना ही बाकी है। तो सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर, सात श्री अकाल, राधे राधे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन ट्यूजडे ठीक 7 बजे।